हेलो, दिस इज शुभ्रोजित एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो अनेक रिलीज हुआ कल, यानी 27 मई 2022 को थिएटरिकल रिलीज हुआ। तो मैं आज देखा इस फिल्म को, तो देखने के बाद अभी इसका रिव्यू करने बैठ रहा हूँ। तो ये फिल्म देखिए, ट्रेलर से तो हम लोग को पता चल ही गया था, या अनुभव सिन्हा का फिल्मोग्राफी अभी तक जिन्होंने गो थ्रू किया, आर्टिकल 15 इन्होंने पहले आयुष्मान के साथ ही बनाए थे, उसके बाद ये फिल्म बना रहे, बीच में थप्पड़ बनाया है, 2011 में उन्होंने रावण बनाए थे शाहरुख खान के साथ, उसके पहले 10 तुम बिन शायद उन्हीं का बनाया हुआ फिल्म है। तो इन उनका जो फिल्मोग्राफी पे जो एक्चुअली गो थ्रू की है, तो वो इस ट्रेलर देख के समझ गए थे कि इसका टॉपिक क्या है, एक्चुअली एक फिल्म किस टॉपिक पे बेस है, नॉर्थ ईस्ट का टॉपिक क्या, वो जगह का जो अनरेस्ट है, जो थोड़ा वोलेटाइल सिचुएशन है, गवर्नमेंट के साथ थोड़ा मिसकम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन गैप है, जो भी है वो सब लेके फिल्म डील करने वाला है, तो वही है एक्चुअली इस फिल्म में। पर ये फिल्म में ट्रेलर देख के कितना उतना पता नहीं चलता है जितना फिल्म से ऑब्वियसली पता चलता है। तो फिल्म देख के यही मेरे को फील हुआ कि ये फिल्म में नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव के हिसाब से ये फिल्म टोटली बनाया गया है। मैं उसको ठीक है या गलत है, मैं उस पॉइंट पे जा नहीं रहा हूँ, बस ये मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो लोगों का जो POV है, उसी के हिसाब से ये फिल्म बनाया गया है। पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अब एज अ फिल्म, ये फिल्म कैसा बना है, लेकिन पहले इसके पॉजिटिव साइड में आते, तो पहली बार सबसे जो चीज़ मेरे को अच्छा लगा है वो इसका एक्शन डिजाइनिंग, और साथ ही साथ इसका एक्शन डिजाइनिंग वाला पार्ट पे इसका जो कोरियोग्राफी है, सच में कमाल का है। एक सीन का बोल रहा हूँ, आयुष्मान खुराना दौड़ रहा है, इधर उधर से गोली चल रहा है, इधर उधर से बम गिर रहा है, ये सब चल रहा है, और वो फ्रेम कैसे फ्रेमिंग किया है बोल रहा हूँ, किसी को गोली लगा या वो मरा पड़ा है, उसका हाथ ऐसे किया हुआ है। हाँ, टोटल मान लीजिए इधर से इधर तक फ्रेमिंग है, और ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट से तो टोटली वो फ्रेमिंग दिखा रहा है, और हाथ के इधर से खून गिर रहा है, ऐसे ऐसे बढ़िया है, वो फ्रेमिंग बढ़िया लगा मेरे को। इसको भी छोड़, इसके छोड़ कर एटलीस्ट जो दिन में वो जो वाइड रेंज का शॉट्स लिया गया है, दिखने में बढ़िया लगता है। एक सीन है कि थोड़ा शाम होने वाला है, उस टाइम पे आर्मी लोग डाउन हिल से ऊपर आ रहा है, आप हिल की तरफ वो लोग आ रहे हैं, उस टाइम पे जो फ्रेमिंग दिखा रहा है पूरा, वो शाम वाला जो आसमान होता है उसमें एक एक करके वो ड्रेस पहना हुआ, आर्मी का ड्रेस पहना हुआ वो लोग ऊपर आ रहे हैं, कॉप का ड्रेस पहने हुए आ रहे हैं, वो वाला फ्रेम बढ़िया लगा है। और भी बहुत सारा जो चीज है कि नॉर्थ ईस्ट के वो लोकेशन पे जाके शूट करना, ये सब बहुत कम दिखाई देता है एक्चुअली हिंदी फिल्म में, ये टॉपिक लेके भी काम बहुत ही गिने चुने कुछ हुआ है। तो ये सब चीजें बॉलीवुड के ऑडियंस के लिए एटलीस्ट बहुत ही नया है, तो ये सब चीजें जो अभी तक नॉर्थ ईस्ट के फिल्म मेकर्स या नॉर्थ ईस्ट के फिल्म्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर अभी तक करना चालू नहीं किया, वो लोगों के लिए ये बहुत रिफ्रेशिंग होगा। वो लोकेशंस जहाँ पे शूट किया है, वो जो 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 टोटल सिनेरियोज है, जो जैसे फ्रेमिंग है, वो सब चीजें लोगों को बढ़िया लगने वाला है, तो विजुअलाइजेशन के हिसाब से बढ़िया। और भी बहुत सारे ऐसे एक्शन कोरियोग्राफी के जो जो देखने को मजा आता है, वो जो रोंगटे खड़ा होना जो फील होता है, वो फील होता है बढ़िया लगा। शेरशाह के बाद शायद, हाँ, फैमिली मैन ऑब्वियसली एक बेंच मार्क है, बट उसके बाद शायद शेरशाह आया था, शेरशाह में मैं बोला था उसका एक्शन कोरियोग्राफी मेरे को बढ़िया लगा था, उसके बाद आता है ये फिल्म अनेक, इसका भी एक्शन कोरियोग्राफी और साथ में इसका सिनेमाटोग्राफी, और डिम लाइट में जैसे शॉट किया गया है, रात के टाइम में अंधेरे में जैसे शॉट को किया गया है, लाइट का जो ट्रांजिशन दो एक शॉट को छोड़ के बढ़िया लगा है, वो सब विजुअलाइजेशन के पार्ट में ये फिल्म बहुत ही स्ट्रांग है। और जो अच्छा लगता है वो है इस फिल्म का सेकेंड हाफ पे, सेकेंड हाफ के ये थोड़ा पहले से कन्वर्सेशन वाला चालू होता है, वो कन्वर्सेशन बिटवीन आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है वो, और जो इधर एक जॉनसन करके ग्रुप है, वो ग्रुप के जो लीडर है, वो दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन, फिर एक जगह पे जेडी चक्रवर्ती, हाँ ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, ट्रेलर में था कि नहीं, मैं एक्चुअली ध्यान नहीं दिया था, जेडी चक्रवर्ती जिन्होंने इनके पहले सत्या जैसे फिल्म किए हैं, वो जेडी चक्रवर्ती इधर है एक छोटे से रोल के लिए सही, पर बहुत दिनों बाद मैं उनका काम देख रहा हूँ, मेरे को सच में बढ़िया लगा उनको देख के फिल्म में। तो उनके साथ गाड़ी में कन्वर्सेशन है आयुष्मान का, वो वाला कन्वर्सेशन बढ़िया लगा है। और क्लाइमैक्स में एक जो पूरा धुआंधार इधर उधर चल रहा है, गोलियां चल रहा है, गोलियां बरस रहा है, बम गिर रहा है, उसी के बीच में एक कन्वर्सेशन है बिटवीन आयुष्मान एंड और एक आर्मी ऑफिसर, वो दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, वो वाला कन्वर्सेशन आपको मतलब खींच के रखेगा स्क्रीन की तरफ, आप पलके भी अपना झपका नहीं सकते, ऐसा फील आपको देगा। ये कुछ कुछ कन्वर्सेशन बढ़िया है इस फिल्म में, डायलॉग राइटिंग बोलिए, एक्टर्स का जो अपना इंटरप्रिटेशन है, अपना जो इनपुट से बढ़िया लगता है देखने को। और एक्टिंग के पार्ट में अगर आएंगे तो जेडी चक्रवर्ती को बहुत दिनों बाद देखना, एटलीस्ट बीच का उनका साउथ इंडिया का काम मैं देखा नहीं हूँ, तो ये बॉलीवुड का काम उनका मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, सच में अच्छा लगा उनका काम देख के। मनोज पावा ने अच्छा काम किया, कुमुद उषा का रोल इधर है पर उतना कुछ है नहीं, वो जितने ऊंचे दर्ज का
एक्टर है एक्चुअली, उनके हिसाब से उनका जो कैरेक्टर इधर उनको दिया गया है उतना बढ़िया कुछ है नहीं उनको करने को। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली नाम मेंशन करना चाहूंगा आयुष्मान का, उनका कैरेक्टर को उन्होंने मैनरिज्म पकड़ के रखे, ऐसे करते वो ऐसे जो करते हैं वो वाला मैनरिज्म, साथ में उनका जो डायलॉग डिलीवरी और साथ में जो क्लाइमैक्स वाला जो पार्ट में बोल रहा हूँ वो पार्ट में बढ़िया लगा है। वो पार्ट में जैसे उन्होंने रिप्लाई किया उस आर्मी ऑफिसर को, वो वाला पार्ट में मैं बहुत मतलब बहुत आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, इतना मजा आ रहा था मेरे को देखने में। तो ये सब पार्ट बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है इस फिल्म का। पर इस फिल्म जिस जगह पे बहुत ज्यादा लैक करता है वो है कि जिनको ये पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में या इतना हैपजर्ड सिचुएशन के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, उनके लिए शायद ये फिल्म उतना उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उतना एंगेजिंग नहीं होगा। स्पेशली इसका फास्ट अप, मैं उस जगह को लेके थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहता हूँ, मेरा एक दोस्त है उधर सुमित नाम के, चतुष्कोण का ही एक पार्ट है, तो मैं उससे सुनते रहता हूँ उस जगह का हिस्ट्री क्या है, उस जगह का करंट जो सीनरी है वो कैसा है, थोड़ा बहुत वो लोग का हिस्ट्री लेके पढ़ते रहता हूँ। तो मेरे को थोड़ा बहुत जानते हुए भी फास्ट अप मेरे को कहीं पर ये नहीं लगा कि उसमें वो हाई पॉइंट है, या वो कहीं पर जाके ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री भी नहीं बन रहा है, या वो कहीं पर जाके फिक्शन भी प्रॉपरली नहीं बन रहा है, कहीं पर जाके बीच में फंस गया, वो एक हॉचपॉच कुछ हो गया। वो फास्ट अप, इसका फास्ट अप का एंड में एक कन्वर्सेशन आता है, उसको छोड़ के टोटली फास्ट अप में आप उसको बिल्ड अप बोल सकते हैं, पर बिल्ड अप में भी कुछ अप का वो होता है, एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ कहीं पे नहीं है। फास्ट अप स्पेशली बहुत मतलब बहुत ही लगता है फ्लैट होता है, बहुत फ्लैट होता है, पर सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ा बहुत पकड़ते। पर ये जो इशू मैं बोला, ये इशू हॉल में तो पैसा देके घुस गया, टिकट लेके मैं घुस गया, अब मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, फिर भी मेरे को रिव्यू करना पड़ता है, तो मेरे को आखिरी मोमेंट तक हॉल में रहना ही पड़ता है। पर ये फिल्म इसके बाद जब ओटीटी में आएगा तब इस फिल्म का क्या होगा? ओटीटी में आप लोग के पास, हम लोग के पास ऑप्शन रहते, पसंद नहीं आ रहा है चलो इसको स्किप कर देते, कुछ दूसरा फिल्म के प्रति कंसिडर करते, उसमें टाइम इन्वेस्ट करते, तो वो वाला जो फील है। ऑलरेडी इस फिल्म का पहला डे का जो फ्राइडे का जो कलेक्शन था उतना अच्छा है नहीं, उस हिसाब से इस फिल्म को लेकर सच में मेरे को डर है ये फिल्म कैसा होने वाला है। अनुभव सोने का इसके पहले मैं जो काम देखा हो वो काम मेरे को बढ़िया लगा, पर इसका ये काम के बाद भी मेरा एक्सपेक्टेशन था, कुछ कुछ सीन्स बढ़िया लगता है, पर फास्ट हाफ लिटरली फ्लैट लगा है मेरे को। और सेकंड हाफ में भी कुछ कुछ जगह पे बढ़िया करता है, कुछ कुछ जगह पे लैक होता है, पर फिर भी सेकंड हाफ बहुत बैलेंस लगता है। साउंड वाउंड सब कुछ ठीक ठाक ही चलता है, सब कुछ टेक्निकली ये फिल्म साउंडेड है, बहुत जगह पे ये फिल्म बहुत साउंडेड लगता है और एक्टर्स भी अच्छे ही करते हैं, पर फास्ट अप ये फिल्म का बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान करके चला जाता है, एटलीस्ट मेरे को थिएटर में ये फील हुआ है। आप लोग जो ओटीटी में देखने वाले, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा होगा ये जानने के लिए ऑब्वियसली मैं बेचैन हूँ। आई होप ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में भी अच्छा परफॉर्म करे। आप लोगों को कैसा लगा ये अनेक फिल्म जो आयुष्मान खुराना का लेटेस्ट फिल्म है अनुभव सिन्हा डायरेक्टेड, ऑब्वियसली बताना मत भूलना मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और ये जो नैरेटिव का बात मैं जो किया, देखिए ये वोलेटाइल सिचुएशन के ऊपर बहुत सारा फिल्म इसके पहले भी बन चुका है, अब अगर कुछ भी ना देखे तो ऑब्वियसली जाके दिल से देखिए। आई होप दिल से नहीं देखे, बॉलीवुड में ऐसा कोई बॉलीवुड लवर ऐसा कोई है नहीं, मैं थिएटर में जाने रहा हूँ बस बोल रहा हूँ। और बीच में दो साल पहले एक फिल्म आया, दो साल पहले आई थिंक अखूनी करके, ए 100 एनी, उसका रिव्यू अवेलेबल है मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। यही वो लोगों के प्रति जो रेसिज्म, वो लोगों के प्रति जो इग्नोरेंस, वो थोड़ा बहुत उसमें झलकाता है, वो थोड़ा बहुत उसमें दर्शाया जाता है, वो सब थोड़ा बहुत उसके मिल रहा है मेरे कहाँ पर। इतना एक्शन, इतना मतलब रॉक रॉक जो फील होता है वो फील उसमें होगा नहीं, पर फिर भी वो फिल्म थोड़ा बहुत फील देके जाता है। अगर नहीं देखे तो जरूर जाके मैं इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अक्षुन का रिव्यू, ऑब्वियसली आप जाके देखिए, उसके बाद जरूर जाके फिल्म देखिए, आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत आइडिया पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट का क्या सिचुएशन है, वो लोगों का ये जो नैरेटिव का बात मैं बार बार बोल रहा हूँ वो नैरेटिव एक्चुअली क्या है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा रिव्यू ऑब्वियसली कमेंट करके बताना मत भूलना, और आप लोगों को फिल्म कैसा लगा उसके बारे में ऑब्वियसली ऑनेस्ट एंड डिटेल में थोड़ा अगर बताएंगे तो मेरे को भी सुनने में मजा आएगा कि मेरा जो व्यू है इस फिल्म के प्रति आप लोगों को सेम है या नहीं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर जरूर एक थम्स अप देना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।